देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और कई बार रिपीट भी हुआ है और होता ही आ रहा है कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है। ये टॉपिक वैसे खाद अलग है उर्वरक अलग है, लेकिन सम्मिलित तौर पे जब खाद से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब खाद को ध्यान में रख के पूछा जाता है कि खाद एवं उर्वरक में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। बात करें खाद की, तो खाद को हम जो है खेत पर तैयार करते हैं, मतलब कि जो मैन्यूअर्स है उसको हम फार्म पर प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको फील्ड पर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो उर्वरक है, उर्वरक मतलब जिसमें केमिकल है, उर्वरक एक चीज़ याद रखना, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, जिसका मतलब उसके अंदर केमिकल है, उसके अंदर रसायन है जिससे उसको तैयार किया है। तो केमिकल की बात कर रहे हैं या रसायन की बात कर रहे हैं, तो ये कारखाने में ही मिलने वाला है। केमिकल या रसायन जो है हमको कारखाने में ही मिलेगा। दूसरा पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं कि खाद को खेत पर तैयार किया जाता है। याद कैसे करोगे, खा से खाद, खा से खेत, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो इसे खेत पर तैयार किया जाता है, जबकि उर्वरक जिसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, इसको हम कारखाने में तैयार करते हैं। कारखाने को इंग्लिश में फैक्ट्री बोलते हैं, तो ऐप से फर्टिलाइजर, ऐप से फैक्ट्री, ऐसे आप याद कर सकते हैं। किसी कारखाने में तैयार करते हैं हम, मतलब कि फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज, ये आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, मृदा में इसका प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है, मतलब कि इनका जो प्रभाव है, इनका जो इफेक्ट है, मतलब टू टू थ्री इयर्स लॉन्ग इफेक्ट इन दी सॉइल। किन की बात कर रहे हैं हम, मैन्योर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उर्वरक की बात करेंगे, फर्टिलाइजर की बात करेंगे, तो फर्टिलाइजर का जो है मिट्टी के अंदर तात्कालिक प्रभाव रहता है, मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक ये मिट्टी में अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, कुछ समय तक ही ये मिट्टी के अंदर अवेलेबल रह पाते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि खाद से मिट्टी की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक अवस्था या दशा में सुधार हो रहा है, मतलब जो भी हम खाद दे रहे हैं जो कार्बनिक प्रकृति का है, वो मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाएगा, उसकी संरचना में सुधार करेगा, उसकी रासायनिक गुणों में वृद्धि करेगा, उसकी उत्पादकता उर्वरता सब में वृद्धि करेगा। तो कहने का मतलब जो मैन्यूअर्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं, मतलब कि मैन्यूअर्स इम्प्रूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दिस सॉइल। जबकि हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं सॉइल के अंदर, मतलब कि इट एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल। कैसे, मतलब ये मिट्टी की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशा में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, मतलब मिट्टी के अंदर केमिकल जा रहा है, तो जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि केचुए को रासायनिक उर्वरक नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिट्टी के प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। और मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो मिट्टी में रह के पौधों को या फसलों को फायदा पहुंचाते हैं, उन पर प्रभाव डालता है। जैसे आप जरूरत से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, DAP, यूरिया, कोई भी उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कुछ एक मतलब रेसिडुअल इफेक्ट होता है, अपशिष्ट प्रभाव होता है। जैसे यूरिया की बात करें तो हल्का सा अम्लीय प्रभाव पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर डालता है, तो मिट्टी के पीएच को कम कर रहा है। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर जो होते हैं जो मिट्टी के पीएच को बढ़ाते हैं, एल्कलिक इफेक्ट वो सॉइल के अंदर डालते हैं। तो इसका मतलब अगर हम उर्वरक जरूरत से ज़्यादा मैं खेत के अंदर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी की भौतिक दशा, जैविक दशा और रासायनिक दशा में जो है प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो मिट्टी को खराब कर रहे हैं, ठीक। फिर क्या लिख सकते हैं हम कि इसमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, मतलब कि ऑल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल इन द मैन्योर्स। आप लिख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर सारे जो पोषक तत्व चाहिए वो खाद के अंदर मिल रहे हैं, क्योंकि खाद भी कहाँ से बना है, फसल के अवशेषों से और कार्बनिक पदार्थों से हमने इसको तैयार किया। लेकिन इसमें एक या दो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, उर्वरक में ज़्यादा फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर में ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं, एक या दो जो चुनिंदा जिनको हम चाह रहे हैं। जैसे यूरिया में क्या है, मेनली नाइट्रोजन है, DAP में नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं। बाकी अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, तो ये भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, मतलब जितने भी हम मैन्योर्स की बात कर रहे हैं वो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, ये सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। जबकि फर्टिलाइजर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे ज़्यादा कोई इफेक्ट इनका पड़ता नहीं है, मतलब इनके प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता ना तो बढ़ती ना कम होती, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डलता, ठीक। ये 5 पॉइंट हो गए। 6th पॉइंट आप लिख सकते हो कि इन्हें जीवाश्म खाद या कार्बनिक खाद भी कहते हैं, मतलब मैन्योर्स को हम ऑर्गेनिक मैन्योर या फॉसिल्स मैन्योर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद इन्हें रासायनिक खाद कहते हैं, मतलब जो उर्वरक है, उर्वरक को क्या कह रहे हैं, रासायनिक खाद कह रहे हैं, उर्वरक को क्या कह रहे हैं, रासायनिक खाद, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 7th पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, 7th पॉइंट में आप इसका एग्जांपल आप इसमें लिखेंगे कि जैसे एग्जांपल 7th पॉइंट बना के लिखेंगे कि जैविक खाद या खाद के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे गोबर की खाद, इसमें आप लिखेंगे गोबर की खाद FBM, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से जानते हैं, सभी प्रकार के कंपोस्ट, ऑल टाइप ऑफ कंपोस्ट। फिर आप इसमें बर्मी कंपोस्ट भी लिखेंगे, फार्म कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर, आप सबके एग्जांपल इसके अंतर्गत लिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, हमें तो पॉइंट ही बढ़ाने हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर के एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, फिर SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं अन्य रासायनिक उर्वरक और सभी जो हैं एंड अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यूरिया, DAP, SSP की बात इसलिए कर रहे हैं कि किसान इसको ज़्यादा प्रयोग करता है,
ठीक है, ये बेसिक यहाँ पर कुछ किसके की पॉइंट हो गए। और क्या की पॉइंट, हम कम से कम 10 से ज्यादा की पॉइंट लिख सकते हैं खाद एवं उर्वरक में जब अंतर की बात कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। और क्या इसमें लिख सकते हैं कि खाद जो होते हैं मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ाते हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मृदा की जो उत्पादकता, मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि करते हैं। मतलब कि मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पौधे को पोषक तत्व दे पाए, ये क्षमता कौन बढ़ाएगा, ये मैन्योर्स बढ़ा देते हैं। ये फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कैसे, जैसे हमने ये की पॉइंट पढ़ा, सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं, जो भी बेनिफिशियल सॉयल ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं रसायन के माध्यम से कम हो रहे हैं। दूसरा, इसका और 7 पॉइंट हो गए थे, 8 ही हो गए, नवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि खाद से जो है वो पारिस्थितिक तंत्र संतुलित होता है, मतलब ये हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। जबकि हम अगर फर्टिलाइजर के पॉइंट की बात करेंगे तो ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, जहां पर बन रहे हैं वहां पे भी, और जहां पर खेत में डाल रहे हैं उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी ये कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। और भी की पॉइंट लिख सकते हैं, ये जो खाद है इसके माध्यम से जो तैयार फसल होती है, मैन्योर्स के माध्यम से जो तैयार फसल है वो गुणवत्तापूर्ण होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं होता, तो मनुष्यों के स्वास्थ्य पे भी इन पे विपरीत प्रभाव ये नहीं डालते, मतलब कि एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमंस लाइफ ये नहीं डालेगा। कौन, मैन्योर, क्योंकि ये किसी रसायन से इसको तैयार किया नहीं किया गया, ये पूरा कार्बनिक प्रकृति का है, तो इससे जो फसल तैयार होगी वो भी कार्बनिक नेचर की होगी। और फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो ये पूरी केमिकल से तैयार हो रहा है, फसल भी केमिकल से ही तैयार हो रही है, तो फसल के अंदर भी केमिकल की मात्रा पहुंचेगी, जो कहीं ना कहीं भोजन के तौर पे हम इन फसलों को लेते हैं, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो या कोई भी खाद्यान्न फसल हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर मानव के जीवन पे, मानव के स्वास्थ्य पे वो प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, ये पूरे टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा सा काम करना है आपको, इस वीडियो की लिंक को अपने सभी छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर देनी है, फैला देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें।